हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सूर्या और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करने वाला हूं संजू के फर्स्ट डे के पाकिस्तानी कलेक्शंस के बारे में। बहुत सारी चीज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और एक चीज आपको बता दूं कि भैया, संजू फिल्म इस डिकेड की, इस साल की नहीं, इस डिकेड की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है। इस डिकेड यानी कि लास्ट 10 सालों में वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है, इसे कहूंगा। कमाल की फिल्म है, सभी ने देखी है, जिन्होंने मेरी बात से एग्री करेंगे, जो नहीं देखी है वो जरूर देखिए, मैं यही कहूंगा। आप किसके भी फैन हो, मुझे बस यही कहें सिंपली, किसके भी फैन हो, एक फिल्म कैसी होती है, वो ऑडियंस को एंटरटेन कैसे करती है, किसी को कितना रुलाती है, किसी को कितना हंसाती है, किस तरह से हंसाती है, किस तरह से बांधे रखती है 3.5 घंटे तक, वो आप इस फिल्म से, इस फिल्म के मेकर से यानी कि राजकुमार हीराइन से, इस फिल्म के एक्टर रणबीर कपूर से, को एक्टर्स विक्की कौशल, अपर शॉल, इन सब से सीख सकते हैं। कमाल की फिल्म है। चलिए बात करते हैं कलेक्शन की। फर्स्ट डे इसका कलेक्शन करीबन आया 3.20 करोड़। वही अगर बात करें तो इसने बीट कर दिया है रेस थी का रिकॉर्ड। जी हाँ, रेस थी ने पहले दिन में 2.62 करोड़ कमाई की थी, मिडनाइट में 37 लाख कमाई की थी, और आई थिंक मॉर्निंग में कुछ 1.32 कुछ इस तरह से करोड़ था, दोनों को मिलाकर 2.21 करोड़ था, तो दोनों को मिलाकर 2.62 करोड़ हुआ था फर्स्ट ईयर कलेक्शन रेस थी का। और यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं, ये फिल्म सुल्तान, जी हाँ सुल्तान, अभी तक का जो रिकॉर्ड है 2 साल का, अभी तक किसी फिल्म ने नहीं तोड़ा, लेकिन आज ये हो सकता था। फर्स्ट डे जो था पाकिस्तान में, वो सुल्तान का रिकॉर्ड टूट सकता था। जी हाँ, ये खबरें पता चली है। पाकिस्तान की जो सर्किट है उसमें से एक पंजाब का सर्किट है, वहां पर बारिश हुई थी काफी हद तक, इससे दोपहर के शोज काफी हद तक नहीं हुए थे, और इसी की वजह से ये आई थिंक जो फर्स्ट ईयर कलेक्शंस का रिकॉर्ड है वो नहीं बीट हो पाया सुल्तान का, जो लगभग 3.5 करोड़ के आसपास तक का है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पर 3.2 करोड़ कमा लिया है इस फिल्म ने, यानी कि संजू ने। आप कितने खुश हो, जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कितना ही बाय।